जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो तो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बाद आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिल लदेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलिन द्वारा अभिनी जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन छायांकन है, है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिया गया एलेक्स जेडर डे दे, डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क ए जोइल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रॉन्ग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर रिमेरे एडगर और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले, जॉन बोरोमेन मार्केसा जेसिका साथ तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल के, बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्पोषित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानंक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी फुलर अम, अम्मार की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अप अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमर सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फ़राज़ द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जे, जेशिका अलकायदा के उच्च पदक एक ज़ोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशी का की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि C.I.A. को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सरद ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती ये महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बाइक के लिए के लिए शायद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एप्टाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन वह में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल्ला लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल्ला लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो हजार पर छापा मारने छापाग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो इसलिए, इस से हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजलाश तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिस के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किरदा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जैसन कलक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैटलर ने किरदारी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स ने किरदार गिरदान्यवाद सीआईए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड Pe ने किरदार किरदानीबाद सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोपलाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक के वुल्फ्यो गो से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी कोलसिंस के किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एडर रेमिरेस सीआईए सीआईए एसएसडी ऑब्लिक एस जो एस जो ऑल्सी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सीआईए एसटी ऑब्लिक एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सीआईए एसएडी ऑब्लिक एस जो एस ओजी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिब्रू के टीम लीडर के रूप में एडगर ने ने किरदार निभाया था जोएिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिसपेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिब्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आई डिग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ग्रेलो ने किदार निभाया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन हाँ, के अन्य स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया जोनसराय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अम्मा के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमायूर सादी हलनजुल घुल के रूप में नजर आया लेवी लिवी लु, लेवी, योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आया अलकायदा के नेता संस्थापक बिन बिल्लादिन के रूप में रिकी सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया किए कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर व उस संधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भ करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिल्ला मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलिन द्वारा अभिनी जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिया गया एलेक्स जेडर डे डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ ज्योति की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क ए जोइल एडगर्टन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे, और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले, जॉन बोरोमेन मार्केसा जेसिका चेस्टन तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हैरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल के, बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्पोषित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानाक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अप अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिल लादेन के निजी कु। कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फ़राज़ द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक ज़ोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर ज, कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सरद ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती ये महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब अपने वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सी परिसर को निगरानी में रखती है लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल्ला लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल्ला लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ एविशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए ग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो इस से हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल लादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजलास तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किदा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन कलक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में काइल चैटलर ने किरदारबाद सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गंडोफली ने किरदारी आई ए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू ने किरदार किरदान्य सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोपलाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक फ्रेडरिकने फ्रेड के वुल्फ्यूरे से सी आई ए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी को कॉलसिंस के निभाया लेरी हेडली के रूप में एडगर रेमिरेज सी आई ए सी एस 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 जो एस ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सी आई ए एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई ए एस जो ए एस ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिसपेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रु ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदारे में माइकल कैल्टलर माइक ग्रुप ऑपरेटर के रूप में नजर आई ग्रुप कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ग्रेलो ने किदार निभाया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर के अन्य स्टीफन डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अम्मा के, के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापीडित किया गया था हिमायूर साधी हलनजुल घुल के रूप में नजर आया लेवी लुवी योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आए अलकायदा नेता, के नेता संस्थापक सोसमा बिन लादेन के रूप में रिक्की सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अलीम मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट थर्ट थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया किए कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर व उस संधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो व्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां दो मई 2011 को बिल्ला मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बेगेलो और लेखक है मार्क बोआल है उत्पादित किया कैथरीन बेगेलो और मार्क बोअल और मैगन एलिन द्वारा अभिनीति जयशिका चेस्टन जेसल क्लार्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोल ए, जोल एडगर्टन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर और फेरेस फेरेस जेनिफर पैलेस जॉन बोरोमेन मार्केसा जेसिका चेस्टेन तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हैरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अन्नपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोटित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथान माया लेम्बर्ट्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर हम के हमलों में कई अप अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिल लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फ़राज़ द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोड़नीय डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ का की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंग से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वे अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर टेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिसे माया ट्रेड क्राफ्ट कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सी परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील्स हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर माया तक पहुंच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता है, जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जैसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किरदान निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लग नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पैनेट्रा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोशे ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में काइल चैडलर ने किरदानिभा सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गेंडोफ्ली ने किरदान्य सी आई ए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पे, पेरू ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के, के रूप में मार्क डोप्लास ने किरदार निभाया फ्रेडरिक फ्रेड के वुल्फ वुल्फ्यूरों से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के, के रूप में जेसी कॉल्सिन किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एडर्स रेमि सी आई ए एस एस डी ओब्लिक एस जो एस ओ सी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते नजर आए सी आई ए एस टी ओब्लिक एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रॉन्ग एक सी आई ए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन ने डी डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल एडगर ने किरदार एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मोलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किन्नी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आया डिब्रु कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ग्रेलो ने किरदार निभाया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर आए रेडा कैटेब अमार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमायु इरा साधी हलनजुल घुल के रूप में नजर आया लेवी लिवी लुवी अबू फराज अल बिल्लिबी के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक सोसमा बिल लदन के रूप में रिक्की सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीचर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट, थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के सम समझाया किए कि ये आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर व्यू संधेरे की गोपनीयता की को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे स, पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिल्लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोआल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मैगन द्वारा अभिनीति जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टीचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर दे, प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्रण द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पे पनोरमा मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज़ किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोइल ए जोल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमेन मार्क के साथ तक काल्पनिक सीआई खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लस हेरोल्ड बेरून्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियर एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोटित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानक माया लेम्बर्ट्स एक सी आई, आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उशामा बिल्लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन का किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोड़नीयम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंग से संपर्क करती है जो अब सी आई मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाइकोलोर बाई, बाई के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर टेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक ऐप्टाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब अपने वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा हल सलाहकार सीआईए आई ए को बिल्लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल्लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एवी एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रू और सीआईए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो इस इस से हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी अड्डे पर मायाललाश तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए एक सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता है, जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सीधा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जैसन क्लग नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोशे ब्रेडली इस्लामाबाद सी इस आई ए स्टेशन प्रमुख के, के रूप में काइल चैडलर ने किरदान्यबाद सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गेंडोफ्ली ने किरदान्यबाद सी आई ए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पे, पेरियो ने किरदान्यबाद सी आई ए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोप्लास ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ्यो गुरेरो से सी आई ए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविल स्टोन के रूप में जेसी कॉलसिंस किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एड गर्थ रेमिरेस सीआईए सीआईए एसएसडी ऑब्लिक एस जो एस ओल्टी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आया सीआईए एसटी ऑब्लिक एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किताब निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सी आई ए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन ने डि के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर ने एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिबग्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मोलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रेडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किन्नी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के, के रूप में नजर आया डिबग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैंक ग्रिलो ने किरदार निभाया जे एस ओ एससी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर आए रेडा कैटेब अम्मार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापीडित किया गया था हिमायु इरा साधी घुल के रूप में नजर आए लेवी लुवी लिवी लुवी अबू फराज अल बिल्ली के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक सोसमा बिन लादेन के रूप में रिक्की सोखों ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया व्यू संधेरे की कि गोपनीयता के, के, के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म 11 सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतरराष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस, उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिल्लादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोआल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोआल और मैगन एलिन द्वारा अभिनीति जेसिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टीचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे दे, प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोल जोएल एडगर्टन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमेन मार्केसा, जेसिका साथ तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल के, बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्पोषित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानंक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता होशामा बिल्ला देन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी डेनफुलर अम, अमार की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन का किया गया था अमर सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोड़नीम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआईए अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को ए साल पहले साल सा, पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंग से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर टेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिसे माया ट्रेड क्राफ्ट कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन में थी और उसे वाशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हजार ग्यारह को एक सौ साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजलास तक पहुंच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सिद्धा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जैसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैटलर ने किरदान्यबाद सी आई ए .E. निदेशक के रूप में जेम्स गंडोफ्ली ने किरदार किरदान्यवाद सीआईए विश्लेषक के जैक Pe .E. फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू ने किरदार किरदान्य सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डुप्लाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ्यूरे से सी आई ए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए .E. विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी कॉल किरदार निभाया लेरी हैडली के रूप में एडगर रेमिज सी आई ए सी आई ए एस एस डी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सी आई ए एस टी ओब्लिक्स एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एड्स सी आई एस एस ए डी ओब्लिकी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डी डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोयल एडगर ने ने किरदार निभाया था जस्टिन किरदारोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस्पेट ने किरदार निभाया था सेबरटिल टिल के ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप ग् में टेलर किडनी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आई डिब्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ने कि निभाया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया जोनसराई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अम्मा के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमादी हलनजुल घुल के रूप में नजर आया लेवी लिवी लेवी, योवलुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आया अलकायदा के नेता संस्थापक बिन बिल्लादिन के रूप में रिक्की सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अलीम मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट, थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के सम समझाया किया कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य शब्द है उस अंधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे स, पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां दो मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोआल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मैगन एलिन द्वारा अभिनीति जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क ए जोयल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रॉन्ग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर रिमेरे एडगर फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमैन मार्क के जेसिका चेस्ट तक काल्पनिक सीआई खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरून्स पेरिय। और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल के, बिगलो के और मेगन एलियर एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोशित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानंक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अप अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमर सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिल लादेन के निजी कु। कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवेती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंग से संपर्क करती है जो अब सी मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर टेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिसे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब अपने वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा 100 परसेंट रखती है दो मई 2011 तो को एक साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एवी एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रू और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज़ डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील्स हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादिन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाललाश तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सिद्धा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चेटलर ने किरदार निज सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गंडोफ्ली ने किरदार निभा सीआईए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरियो ने किरदार निभा सी आई ए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोप्लास ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ वुल्फ्यूरे से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी को किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एस जो के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सी आई एस टी एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन ने डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना mm -hmm. डिब्रु के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक ग्रुप ऑपरेटर के रूप में नजर आए एडि कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रेग ग्रेलोने के ने धन्यवाद जेएसओसी कमांडर वाइज एडलिंग बिल मैकरेविन के रूप में क्रिस्टोफर इस्टेनियर के अन्य स्टीफन डेलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हाँ, टीम डोनियल के रूप में नजर आए और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया जोनसराय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अम्मा के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमायू इरा सादी हलन जुल घुल के रूप में नजर आया लेवी, लु, लेवी ए, योव, लुवी योवलुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आया अलकायदा के नेता संस्थापक सोसम बिल लदिन के रूप में रिकी सोखों ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बेगलों के सम, समझाया किया कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर व्यू संधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां दो मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलिन द्वारा अभिनीति जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ जो दी कि कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क ए जोयल एडगर रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर, एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमेन मार्क के साथ जेसिका चेस्टेंग तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हैरोल्ड पेरियन्स पेरिय। और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल के, बिगलो के और मेगन एलिय एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोषित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानांक माया लेम्बर्ट्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता होशामा बिल्ला को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कु। कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सीआईए कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सीआईए को पाँच साल पहले सा पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती ये महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए शायद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिसे माया ट्रेड क्राफ्ट कह, कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सी आई ए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सी आई ए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना है को, भी एवी, ए, रेजिमेंट के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के, के, के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील हेलीकॉप्टर उड़ाए और आईए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे बिल लादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर माया ललास तक पहुंच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जैसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किरदा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पैनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोशे ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैडलर ने किरदान्यबाद सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गेंडोफली ने किरदान्यबाद सी आई ए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोप्लास ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ्यूरे से सी आई ए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सी आई ए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जेसी कॉल्सिन किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एडर्स रेमि सी आई ए एस एस डी ओब्लिक एम एस एस ओ सी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते नजर आए सी आई ए एस टी ओब्लिक एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिम्स के रूप में स्कॉट एड्स सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रॉन्ग एक सी आई ए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन ने डी डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर ने किरदार एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मोलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रेडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदारे में माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आया डिबग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रेंक ग्रेलो ने किरदार निभाया जेएसओ कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन अन्य स्टीफन डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया जोनसराय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर आए रेडा कैटेब अम्मार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापीटित किया गया था हिमायू इरासादी हलनजुल घुल के रूप में नजर आए लेवी लुवी लिवी लुवी अबू फराज अल बिल्ली के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक बिन लादेन के रूप में रिकी सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया किया कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सप्धे व्यवसंधेरे की गोपनीयता की को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे स, पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो जीरो डार्क थर्टी दो तो हजार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिल के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन द्वारा अभिनीति जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन छायांकन है, है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टीचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे दे, प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ ज्योति की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैराम पे पनोरमा मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज़ की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज़ किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लग जोयल ए जोल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन ब्रोमेन मार्क के साथ तक काल्पनिक सीआई खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लस हेरोल्ड बेरून्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियर एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोटित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानक माया लेम्बर्ट्स एक सी आई, आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उशामा बिल्ला देन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी डेनफुलर अमार की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन का किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज़ द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोड़नीम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सीआईए कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गलार्डो और बाई, बाई कलर के लिए के लिए शायद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिसे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एप्टाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वह वाहन में और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा हल सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एवी एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज़ डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील्स हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं और परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायादलाश तक पहुंच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सिद्धा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जैसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पार विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोशे ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैडलर ने किरदार निभा सीआईए निदेशक के रूप में जेम्स गंडोफ्ली ने किरदान बात सीआईए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू ने किरदार निभा सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोप्लास ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ्यू गुरेरो से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी कॉल की किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एडगर रेमिरेस सी आई ए सी आई एस एस डी ओब्लिकी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सी आई ए एस टी एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोयल एडगर ने किरदार ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में के, के, केलन मोलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदारे में माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आये डिब्रू कमांडिंग ऑफिसर के फ्रैक ग्रिलो ने किडा निभाया जे एसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवन के रूप में क्रिस्टोफर स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अमार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमादी हलन जुल घुल के रूप में नजर आया लेवीवी लु, लेवी, योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आया अलकायदा के नेता संस्थापक समा बिन लादेन के रूप में रिक्की सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट, थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के सम, समझाया किए कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सप्धैर व्यू संधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिल्ला मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलिन द्वारा अभिनी जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिया गया एलेक्स जेडर डेस्क प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ जो दी कि कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर था का और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जैसन क्लर्क जोल जोल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रॉग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर रिमेरे एडगर फेरेस फेरेस जेनिफर पहले, जॉन बोरोमेन मार्केसा, जेसिका चेस्टे तक काल्पनिक सियाई खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोशित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानंक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कु। कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज़ द्वारा अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक ज़ोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशी का की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सीआईए को पाँच साल पहले सा पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सरद ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बाइक के लिए के लिए शायद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एप्टाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब अपने वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में, तो एवी, पर के के में दो मई दो हजार पर छापा मारने के छापाग्रु और सी आई ए के इस स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील से हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजला तक पहुंच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालने में देखा गया कि माया हैरिस के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किरदार निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लग नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एलेन ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रे, ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैडलर ने किरदान्य सीआईए .E. निदेशक के रूप में किरदान्य सीआईए फ्रेडरिक लेहने फ्रेड के वुल्फ्यूरे से सी आई ए .E. अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए .E. कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए .E. विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी कॉल किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में सी आई एस जो एस डी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते नजर आए सी आई ए एस टी ओब्लिक्स एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में के, केलन मोलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आए डिग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक फ्रैक ग्रिलो ने किदार निभाया जेएसओ सी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अमार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापित किया गया था हिमायू इरा साधी हलन जुल घुल के रूप में नजर आया लेवीवी लु, लेवी, योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक बिन लादेन के रूप में रिक्की सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मनहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट थर्ट थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बेगलों के समझाया किए कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर वेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलिन द्वारा अभिनी जयशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन छायांकन है, है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिया गया एलेक्स जेडर डे दे, डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां कंपनियाँ जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोल ए जोइल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर रिमेरे एडगर और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले, जॉन बोरोमेन मार्केसा जेसिका चेस्टन तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्पोषित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथान माया लेम्बर्ड्स एक सी आई आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता उसामा बिन लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी अमार अम, की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन किया गया था अमर सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु। कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक जोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ का की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि C.I.A. को पाँच साल पहले सा पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सरद ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती ये महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंक से संपर्क करती है जो सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वह अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बाइक के लिए के लिए शायद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एप्टाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल्ला लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल्ला लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो हजार पर छापा मारने के छापाग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील्स इस हेलीकॉप्टर उड़ाए और आईए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजलाश तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिस के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सिद्धा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पार विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसेफ ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में काइल चैडलर ने किरदारी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स ने किरदार गिरदान्यवाद सीआईए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड Pe ने किरदानीबाद सी आई ए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोपलाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक के वुल्फ्यो गो से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी कोलसिनस के किरदार लेरी हेडली के रूप में एडर रेमिरेस सीआईए सीआईए एसएसडी ऑब्लिक एस जो एस जो ओल्सी ऑपरेटिव के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सीआईए एसटी ऑब्लिक एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सीआईए एसएडी ऑब्लिक एस जो एएस ओजी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिसपेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिग्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आए डिग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ग्रिलो ने किदार निभाया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन ए डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया जोनसराय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर आए रेडा कैटेब अमार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए पत्ता पीट किया गया था हिमायुरा सादी हलन जुल घुल के रूप में नजर आए आया लेवीवी लु, लेवी, योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक बिल्लादिन के रूप में रिकी सोखो ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीचर के टीचर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट, थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के सम समझाया किया कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सभधेहर वेरे की गोपनीयता को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे स, पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो हज़ार बारह की, की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म ग्यारह सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतर्राष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिलादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोअल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोअल और मेगन एलियन द्वारा अभिनी जेशिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिया गया एलेक्स जेडर डे डैश प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पे पनोरमा मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट चालीस से बावन मिलियन डॉलर का था, था और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोयल ए जोल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रोंग और जेम्स गै गडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमेन मार्क के साथ तक काल्पनिक सीआई खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लस हेरोल्ड बेरून्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बॉयल बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोटित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई, आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता बिन बिल्लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी डेनफुलर अमार की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी हो और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन का किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के जे, के दोस्त अलकायदा उच्च पदक एक जोड़नीम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशिका की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई ए कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने दो हज़ार एक में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी आई ए को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती ये महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है डेन से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की, की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वे अफगानिस्तान में मारा गया था 2001 में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गलार्डो और बाई बाइकोलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर टेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सी टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब अपने वह अपने वाहन में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा हल सलाहकार सीआईए को ए लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ साठवीं स्पेशल ऑपरेशन एवी एविएशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रू और सीआईए के स्पेशल एक्टिविटीज़ डिवीज़न के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो इस इस से हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजला तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए एक सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता है जाता है कि वह कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जैसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने सिद्धा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जेसन क्लक नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पैनेटा के रूप में, में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोसे ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैडलर ने किरदान्यबाद सी आई ए निदेशक के रूप में जेम्स गेंडोफली ने किरदान्यबाद सी आई ए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू ने किरदान्यबाज़ सी आई ए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोपलाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक लहने फ्रेड के वुल्फ्यू ग्यूरे से सी आई ए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सी कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सी विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जेसी निभाया लेरी हेडली के रूप में एडर्स रेमिडी ओब्लिक के रूप में किरदार निभाते नजर आए सी आई एस टी एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किताब निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एडकिंस सी आई एस एस ए डी ओब्लिक एस ए एस ओ जी ऑपरेटिव ने किरदार निभाया थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रॉन्ग एक सी आई ए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डिव डिग्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर ने एड गर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिना डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिस पेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रेडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किन्नी ने किरदार निभाया माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आया डिबग्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक फ्रैक ग्रिलो ने किरदार निभाया जे एस ओ सी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर की तरह अन्य स्टीफन डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर आए रेडा कैटेब अम्मार के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापीटित किया गया था हिमाु इरा शादी घुल के रूप में नजर आए लेवी लुवी लिवी लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आए अलकायदा के नेता संस्थापक सोसमा बिल्लादिन के रूप में रिक्की सोखों ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्ट, थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया किए कि यह आधी रात के बाद तीस मिनट के लिए एक सैन्य सब्धेहर व उस संधेरे की गोपनीयता के को भी संदर्भित करता है जिससे पूरे स, पूरे दशक लंबे मिशन को ढक लिया गया था जीरो डार्क थर्टी मूवी के फैक्टो रिव्यू जीरो डार्क थर्टी दो की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित और मार्क बोआल द्वारा लिखित है यह फिल्म 11 सितंबर के हमले के एक बात आतंकवादी नेटवर्क अलकायदा के नेता बिन लादेन के लगभग एक दशक तक चली अंतरराष्ट्रीय तलाश का नाटकीय चित्रण करती है इस खोज में पाकिस्तान में उस उसके परिसर और उसकी खोज हुई जहां 2 मई 2011 को बिल्लादेन मारा गया था फिल्म का निर्देशक कैथरीन बिगेलो और लेखक है मार्क बोआल है उत्पादित किया कैथरीन बिगेलो और मार्क बोआल और मेगन एलिन द्वारा अभिनीति जेसिका चेस्टन जेसल क्लर्क और जोएल एडगर्टन है छायांकन है ग्रेट फ्रेजर का संपादन किया गया डायलन टिचिनोर और विलियम गोल्ड द्वारा संगीत दिए गए अलेक्स जेडर डे दे, प्लेट द्वारा उत्पादित कंपनियां जो दी की कोलंबिया पिक्चर्स और पहला लाइट प्रोडक्शन और अन्ना अन्नपूर्णा चित्र द्वारा वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज की संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में पैरा पनोरमा पे, मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में इसको रिलीज किया गया था और 19 दिसंबर 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको रिलीज़ किया गया फिल्म का कार्यक्रम एक सौ सत्तानवे देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी इस फिल्म का बजट 40 से बावन मिलियन डॉलर का था का और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जेसन क्लर्क जोल ए, जोल एडगरटन रेडा कैटेब मार्क स्ट्रॉन्ग और जेम्स गैडोफलिफनी और काइल्स चैंडलर चे, चे, स्टीफन डीलर क्रिस पेंट और एडगर एडगर रिमेरे और फेरेस फेरेस जेनिफर पहले जॉन बोरोमेन मार्केसा, जेसिका साथ तक काल्पनिक सियाही खुफिया विश्लेषक माया की भूमिका निभाती है, और सहायक सहायक भूमिकाओं में डुप्लास हेरोल्ड पेरियन्स और फ्रेक गिलो इसका निर्माण बोयल बिगलो के और मेगन एलियन एलिशन द्वारा किया जाता है और एलिशन की अनपूर्ण पिक्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से विस्फोटित किया किया गया था और फिल्म का प्रीमियर 10 दिसंबर 2012 को लॉस एंजल्स में और 11 जनवरी 2013 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया था कथानक माया लेम्बर्ड्स एक सी आई विश्लेषक है जिसे अलकायदा नेता बिन बिल्लादेन को खोजने का काम सौंपा गया 2003 में वह पाकिस्तान और अमेरिकी दूतावास में तैनात है वह सी आई सी सी आई ए अधिकारी डेनफुलर अम, अमार की ब्लैक साइट पूछताछ में शामिल होता है जो 11 दिसंबर के हमलों में कई अफवाहकर्ताओं के साथ संदिग्ध संबंधों वाला एक बंदी और जिसे अनुमोदित उन उन्नत पूछताछ तकनीकों के अधीन का किया गया था अमार सऊदी अरब के एक संदिग्ध हमले का अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है लेकिन बिन लादेन के निजी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के नाम का खुलासा करता है अन्य बंदी खुफिया जानकारी अबू फराज अल लिब्बी के बिन लादेन के बीच अबू अहमद द्वारा कु, कुरियर यातायात को दो जोड़ी को 2005 में फहराज ने अबू अहमद नामक एक कुरियर के बारे में जानने से इनकार कर दिया माया इसकी व्याख्या फराज़ द्वारा अबू अहमद के महत्व को छिपाने के प्रयास के रूप में करती है 2009 में माया की साथी अधिकारी के दोस्त जेसिका अलकायदा के उच्च पदक एक ज़ोर्डनियम डॉक्टर से मिलने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बोस की यात्रा करती है जिसे 25 मिलियन डॉलर की में अमेरिकी जासूस बनने की पेशकश की और इसके बजाय वह अलकायदा के प्रति वफादार और एक ट्रिपल एजेंट बन जाता है और कई अन्य सीआई अधिकारियों के साथ जोशी का की मौत हो जाती और जब वह एक आत्मघाती जैकेट में विस्फोट करता है तो जिसे कैप के, चैपमैन हमले के रूप में जाना जाता है जो सबसे खतरनाक हमला है पच्चीस वर्षों में सी आई कर्मियों पर कर्मियों पर है अबू अहमद से जुड़े एक विश्लेषक थॉमस ने माया के साथ जॉर्डन के एक बंदे की पूछताछ साझा की और जिसमें दावा किया कि उसने 2001 में अबू अहमद को दफनाया था माया को पता चला कि सी को पाँच साल पहले सा, पाँच साल पहले क्या बताया था इब्राहिम सर्द ने अबू अहमद अल के नाम से यात्रा की और वे कुवैती यह महसूस करते हुए कि उसका नेतृत्व तो जीवित हो सकता है माया डेंग से संपर्क करती है जो अब सी आई ए मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी है वह अनुमान लगाती है कि सी आई ए की अहमद की तस्वीर उसके भाई हबीब की है वे अफगानिस्तान में मारा गया था दो हजार एक में अहमद की मौत के बारे में बताते तो हुए माया कहती है कि उनकी दाढ़ी और देसी कपड़े भाइयों को एक जैसे दिखते थे एक कुवैती राजकुमार ने लैम्बोर्निंग गेलार्डो और बाई बायकॉलोर के लिए के लिए साइद की मां का फोन नंबर डेन को दे दिया और पाकिस्तान में माया और उसकी सीआईए टीम अतंत चलती गाड़ी में एक कॉल करने वाले को पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है जो ऐसे व्यवहार और प्रदर्शित करता है जिसकी जिससे उसकी पहचान की पुष्टि में देरी होती है और जिससे माया जिससे माया ट्रेड क्राफ्ट कह कहती है और इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि विषय संभवतः एक वरिष्ठ कुरियर है वे वाहन को पाकिस्तान के एक एबटाबाद में एक बड़े शहरी परिसर में ट्रैक करते हैं और बंदूकधारियों द्वारा माया पर उस समय हमला करने के बाद जब वह अपने वाहन वह में थी और उसे वॉशिंगटन डीसी के पास बुला लिया गया क्योंकि माना जाता है कि उसका कवर उड़ गया था सीआईए परिसर को निगरानी में रखती है और लेकिन बिल लादेन को कोई निर्णायक पहचान नहीं पा कर पाती राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीआईए को बिल लादेन को पकड़ने या मारने की योजना बनाने का काम सौंपते हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जानकारी देने से पहले सीआईए निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करते हैं जिसका अनुमान है कि बिल लादेन के परिसर में होने से सिक्सटी से अस्सी परसेंट संभावना बैठक में मायावी अपना भरोसा सौ परसेंट रखती है दो मई दो तो हज़ार ग्यारह को एक सौ स्पेशल ऑपरेशन एविशन रेजिमेंट के परिसर पर छापा मारने के लिए डिविग्रु और सी आई ए के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन के सदस्यों के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में दो स्टील्स हेलीकॉप्टर उड़ाए और आई ए से सेल्स प्रवेश करते हैं परिसर में कई लोगों को मार डालते हैं जिससे एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वे बिल नादेन मानते हैं और अफगानिस्तान में जलालाबाद में एक अमेरिकी हड्डे पर मायाजलाश तक पहुँच की पुष्टि करती है वह अमेरिकी अमेरिका वापस चले जाने के लिए सैन्य परिवहन में अकेली यात्रा के रूप में सवार होती है और उससे पूछता जाता है कि वे कहाँ जाना चाहती है और रोने लगती है डालना में देखा गया कि माया हैरिश के रूप में जेसिका चेस्टन और सी आई ए खुफिया विश्लेषक ने किदा निभाया सी आई ए खुफिया अधिकारी डेन फुलर के रूप में जैसन क्लग नजर आई वरिष्ठ सी आई ए विश्लेषक जिसका कार्ली के रूप में जेफियर एले ने किरदार लिया है जॉर्ज पेनेटा के रूप में मार्क स्टॉक एक वरिष्ठ सी आई ए पारिया विश्लेषक के रूप में नजर आए और जोशे ब्रेडली इस्लामाबाद सी आई ए स्टेशन प्रमुख के रूप में कायल चैटलर ने किरदार किरदार्बा सीआईए निदेशक के रूप में जेम्स गी ने किरदार किरदान्य सीआईए विश्लेषक के जैक फुलर के रूप में हेरोल्ड पेरू Pe ने किरदार किरदान्य सीआईए विश्लेषक टिस्टी ब्रेडली के रूप में मार्क डोपलाश ने किरदार निभाया फ्रेडरिक फ्रेड के वुल्फ गुरो से सीआईए अनुभाग प्रमुख के रूप में किरदार निभाया था सीआईए कार्यकारी जेमी कार्ली के रूप में जॉन बैरोमैन ने किरदार निभाया सीआईए विश्लेषक डेविड स्टोन के रूप में जैसी को किरदार निभाया लेरी हेडली के रूप में एडगर रेमिज सी आई ए सी आई ए एस एस डी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए सी आई ए एस टी ओब्लिक्स एस जो जी ऑपरेटिव हकीम के रूप में फारेस फारेस ने किरदार निभाया जॉन सिंस के रूप में स्कॉट एड सी आई एस एस ए डी ओब्लिकी ऑपरेटिव ने किरदार थॉमस के रूप में जेरेमी स्ट्रोंग एक सीआईए विश्लेषक के रूप में नजर आए अमेरिकी नौसेना पैट्रिक गेस्टन डी डिब्रू के टीम लीडर के रूप में जोएल्स एडगर्टन ने किरदार निभाया था जस्टिन लोहिनी डिब्रू के ऑपरेटर के रूप में क्रिसपेट ने किरदार निभाया था सेबर टिल डिब्रू ऑपरेटर के रूप में केलन मूलवे ने किरदार निभाया था जेरेड ब्रैडली डिबग्रू ऑपरेटर के रूप में टेलर किडनी ने किरदारे में माइकल कैल्टलर माइक डिब्रू ऑपरेटर के रूप में नजर आया, डिब्रू कमांडिंग ऑफिसर के रूप में फ्रैक ग्रिलोने के दानी बया जेएसओसी कमांडर वाइज से एडलिंग बिल मैक्रेवेन के रूप में क्रिस्टोफर स्टेन के अन्य स्टीफन डिलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम डोनियल के रूप में नजर आई और सी वन थर्टी पायलट के रूप में मार्क वेली ने किरदार निभाया फ्राई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नजर रेडा कैटेब अम्मा के रूप में एक आतंकवादी जिसे जानकारी के लिए प्रतापीडित किया गया था हिमावू इरा साधी हलनजुल घुल के रूप में नजर आया लेवी लुवी लेवी, योव लुवी अबू फराज अल बिल्बी के रूप में नजर आया अलकायदा के नेता संस्थापक बिन लादेन के रूप में रिक्की सोखों ने किरदार निभाया मोनिस्टर के पूछताछकर्ता के रूप में अली मरहार ने किरदार निभाया था उत्पादन में देखा गया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक फोर गोल्ड ऑफ कंट्री था फिल्म के टीजर के टीजर ट्रेलर के अंत में जीरो डार्क से थर्टी शीर्षक के लिए आधिकारिक पुष्टि की गई और बिगलो के समझाया कि